पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ सब लोग खुश हैं। और जैसा कि कांग्रेस की मुहिम थी कि हर घर पर तिरंगा हो, हर हाथ में झंडा हो और झंडे का सम्मान हो, आज वो दिन आया है बहुत सालों बाद जिसमें हर घर पर तिरंगा जो कांग्रेस की मुहिम रही है 1900 से लेके अब तक, उसके लिए गर्व का दिन है आज। और आज मैंने देखा कि कुछ लोग जो ये आरएसएस वाले हैं, जो नागपुर जिनका ऑफिस है, उन लोगों ने भी तिरंगा लगाया है परसों अपनी सोशल मीडिया पर। मुझे बहुत खुशी हुई कि डर भय किसे, भय बिन होए ना प्रीत। कांग्रेस से इतना भय आरएसएस को और बीजेपी को है जिनकी वजह से उन्हें अपना एक पर्टिकुलर झंडा हटा के तिरंगे को लगाना पड़ा। 1931 में चरखे के सिंबल वाला तिरंगा कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी ने हमें दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें दिया था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 में अशोक चक्र वाला तिरंगा, जिस पे हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, उसके लिए शहीदों ने और कांग्रेस ने और खासकर देश के जवानों ने बहुत मेहनत की है। वैसे तो आज ये हम लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए भी अफसोस होता है, हमारे लाखों जवान शहीद हुए, हमारे कांग्रेस के लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से अधिक जेल में रहे, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया। आज ये आज़ादी किसी बीजेपी के आदमी की वजह से या किसी आरएसएस के व्यक्ति की वजह से नहीं मिली, क्योंकि इन बिचारों के तो 1980 के बाद दो सांसद थे कुल, 1980 पहले इनका नाम नहीं जानता था कोई। आज मुझे खुशी होती है कि कांग्रेस के डर की वजह से और कांग्रेस के भय की वजह से आज देश विरोधी ताकतें भी झंडा लगाने लगी हैं, जो जिनकी मानसिकता आतंकवादियों से भी खतरनाक रही है। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन आज़ादी की 75वीं स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए बहुत गर्व महसूस करता है, जिसमें सब लोग तिरंगा लगा रहे हैं और हमारी मुहिम इसमें कामयाब हुई, कांग्रेस की मुहिम कामयाब हुई। बेसिकली जो तिरंगा है इसके लिए कांग्रेस ने बहुत बलिदान दिए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।